अच्छा ये बताइए, अल्लाह ये नहीं बोलता क्या कि मतलब जो हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मतलब ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो, अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता? नहीं नहीं मना करता। अच्छा इसीलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, और उसको बीस मिनट से बीवी बनना है आपके बेटे की? हाँ वो तो है ही। अच्छा हुकुम है खिलौना है क्या सर, गुड़िया है क्या वो? तो गलती करते क्यों हो? अच्छा ये बताइए चाचा बच्चे कितने होने चाहिए? जितने नसीब में होंगे होंगे, जितने नसीब में होंगे। सरकार तो कह रही है हम दो हमारे दो। कहने दो, कहने से क्या होता है? मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। हमारे हिंदू धर्म में औरतों की पूजा की जाती है, देवियों की तरह बच्चियों को पूजा जाता है और इनके में हलाला होता है। अब आप देखिए ना यही मेंटालिटी कहाँ से आते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। फिर एक बात बताइए, जिनके घर में कौन बहन है कौन बीवी है इनको अंतर नहीं पता? कौन कहता है कि भाई अगर तुम्हें अपने पति के साथ दोबारा रहना है तो तुम्हें पहले हलाला करना पड़ेगा? हिंदुओं में तो ऐसा नहीं होता भाई साहब, इसीलिए कहते हैं सनातन सबसे पवित्र धर्म है जिसमें औरतों को इज्जत दी जाती है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया था। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's not death.